नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिस्किट से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मिठाई। ये मिठाई आप बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मिठाई बनाना। तो मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 डब्बे पाले जी बिस्किट के लिए हैं। यहाँ पे हमें क्रीम वाले बिस्किट का यूज़ नहीं करना है। क्रीम वाले बिस्किट के अलावा यहाँ पर आप कोई भी बिस्किट का यूज कर सकते हो। तो बिस्किट को हमें यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमें बिस्किट को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने देसी घी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा देसी घी कढ़ाई में डाल के इसको हल्का हल्का गर्म कर लिया है। घी को हमें यहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बिल्कुल हल्का हल्का गर्म होने के बाद में हमें बिस्किट डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिस्किट को गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। मीडियम गैस पर हमें बिस्किट को हल्के हल्के फ्राई करने हैं, ज़्यादा नहीं फ्राई करने हैं, नहीं तो मिठाई हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे बिस्किट का भी हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है। अब हमें इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। बिस्किट हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हमें इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरह हमें सारे बिस्किट को फ्राई कर लेना है। तो बिस्किट को हमें यहाँ पे एक प्लेट में निकाल के इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद में हमें इनको अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पे हमें एक मिक्सर जार में 3 चम्मच चीनी डाली है। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा डाल सकते हो। और यहाँ पे हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो, और जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू और थोड़े से इलायची का पाउडर डाला है। इन सबका हमें अच्छे से पाउडर बना लेना है। तो हमें इसको अच्छे से पीस के इसका अच्छा सा पाउडर बना लिया है। अब हमें एक कढ़ाई में 1/2 कटोरी दूध डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। दूध को, दूध हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है, तब तक हमें बिस्किट को चेक कर लेते हैं। तो बिस्किट भी हमारे यहाँ पे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हमें बिस्किट को अच्छे से पीसना है। तो यहाँ पे हमें एक मिक्सर जार लेना है। इसमें हमें बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमें टुकड़े, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डालने हैं। यहाँ पे ऐसे ही नहीं डालना है, नहीं तो ये अच्छे से पीसेंगे नहीं, उसके बीच बीच में इसके टुकड़े रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से तोड़ के और छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल देना है। तो यहाँ पे बिस्किट को हमें अच्छे से पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट अच्छे से बन गया है बिस्किट का। ये देखिए कितना अच्छा इसका पेस्ट बना है। अब हमें यहाँ पे दूध को चेक कर लेंगे। तो दूध भी हमारा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें दूध को थोड़ी देर और अच्छे से गर्म कर लेंगे। मिठाई में मावे जैसे टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे हमने 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। आप यहाँ पे बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हो मिठाई। तो अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करके दूध को अच्छे से पका लेंगे। जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा, पकता जाएगा, वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो गैस का फ्लेम लो ही रखना है। लो फ्लेम पर हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। तो दूध हमारा हल्का हल्का गाढ़ा हो गया है। अब हमें इतना ही इसे गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है, बस हमें इतना ही गाढ़ा करना है दूध को। अब हम इसमें डालेंगे बिस्किट का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने सारा पेस्ट डाल दिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट और चीनी पीस के ली थी वो। तो यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट और चीनी को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से पका लेंगे। तो हमें इसी तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट हो गए पकते हुए। मिठाई हमारी बिल्कुल तैयार है बनके। तो यहाँ पे हमें गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है। आप यहाँ पे प्लेट की जगह थाली का भी यूज कर सकते हो। प्लेट में हमें थोड़ा सा घी डाल के इसके चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसके चारों तरफ लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे जो हमारी मिठाई का पेस्ट है वो इसमें डाल के इसके चारों तरफ अच्छे से सेट कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने सारा मिठाई का पेस्ट डाल दिया है। अब इसे हमें चम्मच से दबाते हुए सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बर्फी भी सेट हो गई है। तो आज यहाँ पे हमने बिस्किट की बर्फी बनाई है और ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हमें अच्छे से इसको सेट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे बर्फी को ठंडा होने के लिए हमें फ्रिज में नहीं रखना है, इसको हमें पंखे की हवा में ही अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। बर्फी भी हमारी 10 से 15 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल ठंडी हो गई है और यहाँ पे बिल्कुल सेट हो गई है। अब हम इसे काट लेंगे। तो आप यहाँ पे किसी भी शेप में इसे काट सकते हो, जो आपको पसंद हो उस साइज़ में यहाँ पे आप बर्फी को काट सकते हो। तो यहाँ पे हमने बर्फी को अच्छे से काट लिया है। अब आपको चेक करके दिखाते हैं कि कितनी अच्छी हमारी बर्फी बनी है। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी हमारी बर्फी बनी है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।